Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों हॉलीवुड हो या बॉलीवुड फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों के साथ एक नए युग के साथ ही ऐतिहासिक और खास घटनाओं को फिर से दोहराते हैं और हमें एक रोमांचक सफर पर ले जाते हैं। वो फिल्म के लिए भव्य और महंगे सेट्स तैयार करते हैं ताकि फिल्म में वो शानदार माहौल और खूबसूरत जगह को दिखा सके, चाहे वो चांदनी चौक, स्विट्जरलैंड या मुगल महल हो। फिल्में सेट की वजह से ही शानदार बनती है। जब भी बॉलीवुड की बात आती है तो हमारे दिमाग में रोमांटिक गाने, एक्शन और हीरो हीरोइन, खूबसूरत लोकेशन जैसी चीजें आ जाती हैं। कई बार तो फिल्मों के बड़े बड़े सेट हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही फिल्मों के सेट के बारे में बताएंगे जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। फिल्म मुगल-ए-आजम साल 1960 में रिलीज हुई फिल्म सलीम और अनारकली के इश्क की दास्तां थी। इसे उस दौर की सबसे महंगी फिल्म के तौर पर आज भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि फिल्म का एक गाने के फिल्मांकन का खर्च उस दौर की सामान्य फिल्मों के बजट से कई गुना ज्यादा था। प्यार किया तो डरना क्या गाने के लिए लाहौर किले के शीश महल की कॉपी तैयार कराई गई थी। पूरे सेट को बनाने में कुल 2 साल का वक्त लगा था और इसकी लागत उस जमाने में करीब 15 लाख रुपए थी। देवदास साल 2002 में आई संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के सेट्स को बनाने में 9 महीने का वक्त लगा था। अपने निर्देशन और बारीक काम के लिए चर्चित संजय लीला भंसाली ने खुद सेट की हर बारीकी को परखा था और इस बात की तसल्ली की थी कि ये 1930 के कलकत्ता को ठीक तरह दर्शाएं। फिल्म के सेट्स को बनाने में 20 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें से 12 करोड़ रुपए सिर्फ चंद्रमुखी का कोठा बनाने में लगे थे। जोधा अकबर आशुतोष गोवारिकर की इस फिल्म के लिए भव्य और बेहद विशाल सेट्स का निर्माण किया जाना था। क्योंकि कहानी महाराजा अकबर की सल्तनत की थी, इसलिए यह और भी गंभीर काम हो गया। यह जिम्मेदारी नितिन चंद्रकांत को दी गई। फिल्म के सेट्स पर किया गया काम और बारीक निर्देशन इस फिल्म में साफ नजर आता है। इस सेट को बनाने में 22 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। प्रेम रतन धन पायो सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी सलमान खान स्टार इस फिल्म का बजट 90 करोड़ रुपए था। फिल्म में खूबसूरत महल दिखाए गए थे, जिनमें से रोशनियों से सजे एक सेट को बनाने में करीब 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।